तो स्वागत है आप सभी का पन्नी ब्लॉगर के एक और एपिसोड में। और अभी है हम लोग सीतामढ़ी आए थे फूफू के यहाँ इसको छोड़ने, और ये भी मेरे साथ आज ब्लॉग में रहेगा। और चलते हैं यहाँ सीतामढ़ी का मार्केट दिखाते हैं। अभी है टेरिस पे हम लोग, और ये पीछे का व्यू है जो काफ़ी ओपी है, रेलवे स्टेशन के काफ़ी करीब है हम लोग। और यहाँ से ट्रेन भी जाती है, अभी आ भी रही है मेरे पीछे ट्रेन, देख सकते हैं ये। अब ये ट्रेन यहाँ से पास होगा। और ये सनसेट का टाइम है अभी, तो व्यू तो काफ़ी मस्त आ रहा है, तो सोचे चलो ब्लॉग बना लिया जाए। तो चलते हैं यहाँ से नीचे, और ये इस साइड का व्यू है जो कि इधर भी काफ़ी सही है। और दोस्तों देख सकते हैं आंखें आगे पी चुकी है, क्योंकि कल हम लोग शायद हो सकता है तो क्रिकेट। और वो है स्टेशन जो यहाँ से दिख रहा होगा, ये है स्टेशन, ये घूमती है यहाँ पे, एनी टाइम जाम लगा रहता है, ट्रैफिक का इशू है क्योंकि बार बार घूमती गिर जाती है हर 10 मिनट पे। तो इधर जाम का काफ़ी सीन है, तो खैर अभी निकल लेते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक हो सकती है। तो अभी चलते हैं नीचे और वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू। तो बाहर आ गए हैं और अभी पटरी पर हम लोग चल रहे हैं, ट्रेन आएगा उड़ा देगा। खैर ट्रेन तो अभी नहीं आने वाला है, तो इधर से हम लोग डिसाइड किए थे जैसे कि इधर पीछे जाने का, और पीछे का भी कुछ खास नहीं था, तो अभी डिसाइड हुआ है कि चले सिटी में ही चलते हैं, शहर में दिखाते हैं कुछ सीतामढ़ी कैसा है। तो अभी तो फिर से ट्रैफिक लग गया है, इधर से निकलने में काफ़ी लोचा होगा ट्रैफिक की वजह से, लेकिन चलो देखते हैं। पूरा फुल ट्रैफिक है इधर, इसलिए हम लोग पीछे से आए थे, और आगे भी काफ़ी तगड़ा ट्रैफिक है। ये कुछ देर के लिए होता है, जब ट्रेन आती है तो थोड़ा फोन वगैरह का सीन रहता है, लेकिन फिर थोड़ा देर में सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन हर 10 मिनट पर ट्रेन आती है, ऑलमोस्ट पूरा दिन यही सीन रहता है इधर का। तो फाइनली ट्रैफिक से बाहर आ चुके हैं, और अभी यहाँ से चलेंगे मिसौल चौक। मिसौल चौक काफ़ी यहाँ का मतलब फेमस जगह है, तो उधर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है उधर का। और इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, रोड का कंस्ट्रक्शन के काम चालू है, इधर पानी पटा दिया गया है पूरा जगह पे, इसलिए काफ़ी जाने आने में दिक्कत हो रही है। कूचर की सर पूरा जगह हो चुका है, काफ़ी पूरा लग रहा है इधर से निकलने में, जैसे तैसे इधर से निकलते हैं क्योंकि फोन ले ब्लॉगिंग करते हुए तो नहीं निकला जा सकता। यही है सीतामढ़ी का मिसौल चौक, जो सेंटर ऑफ सीतामढ़ी माना जाता है इसको। और अभी चलते हैं, मतलब चौक नहीं आया है, जहाँ पे गुलंबर है वहाँ पे मेन सिटी है, तो लेकिन मिसौल में ही हम लोग, तो थोड़ा और आगे चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या सब है, कुछ खाएँगे पियेंगे और फिर रिटर्न चले जाएँगे। तो फाइनली मिसौल चौक पे पहुंच गए हैं, और मेरे पीछे ही है मतलब मिसौल चौक पे ही है, और ये है गोलम्बर, और यही है गोलम्बर मिसौल चौक का, और यही है सीतामढ़ी का सेंटर, सेंटर ऑफ सीतामढ़ी। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है तो खाएंगे और फिर वापस जाएंगे यहाँ से, और कुछ घूमने लायक है तो कल मनाएंगे। कल चलेंगे डुमरा, तो डुमरा में एक पार्क है, तो उस पार्क का भी ब्लॉगिंग करते हुए जाएंगे कल। तो आज फिलहाल सीतामढ़ी। Thank you.
दिखता है सीतामढ़ी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सिटी कार्ट मॉल के बगल में, तो देखे हैं मॉल, तो चलते हैं अंदर और मॉल का भी दिखाते हैं सीन कैसा है। और ये है सिटी कार्ट मॉल और दिखाते हैं सीतामढ़ी कितना महंगा है। तो यही मॉल है और चलते हैं इसमें और देखते हैं कितना एक्सपेंसिव है। ये है लोअर्स का मार्केट जींस का, और जेंट्स के लिए यही है, नीचे लेडीज लोग का था। तो काफ़ी महंगा सा लग रहा है ये। भाई एक लोअर का प्राइस 1,850, काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है ये, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। सबसे जो फालतू है उसका प्राइस इतना हार्ड, ये सही सा लग रहा है, इसका प्राइस ही नहीं। ये काफी क्यूट सा लग रहा है टेडी, ये येलो वाला दोनों। और ये इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि इसको यही पसंद आया पूरा मॉल में। तो चलो ये और नीचे इसका बिलिंग कराते हैं और चलते हैं। ब्रांच जहाँ जहाँ है वहाँ इस सिटी कार्ड का लोगो भरा हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, बिहार। तो मॉल से आ चुके हैं, मॉल में काफ़ी एक्सपेंसिव था और मतलब प्राइस काफ़ी हाई लगा मुझे, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर से भी काफ़ी महंगा लगा सीतामढ़ी। और तो चलते हैं, अब रात भी काफ़ी हो चुकी है, रात तो नहीं शाम हो चुकी है काफ़ी। तो चलते हैं घर और पहले कुछ खा लेंगे रास्ता में और फिर निकलेंगे घर। तो देखते हैं कुछ खाने का भी मिलता है तो खाते हैं। तो यहाँ पे ऑमलेट खाने के लिए रुके हैं, ऑमलेट ये खा रहा है और बन रहा है, तो मेरे लिए भी बन रहा है जब तक ये खा रहा है। तो यहाँ से ऑमलेट खाएंगे और निकलेंगे। तो ऑमलेट खा लिए और अभी जा रहे हैं घर वापस, हो चुका है काफ़ी लेट क्योंकि तो शाम अंधेरा हो चुका है काफ़ी। तो अभी निकलते हैं घर और ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।